Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ है, बारान रहमत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत ही दिलचस्प मैच चल रहा है। मैच के साथ साथ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारे सेट का वो ना हो। तो चलते हैं आज का तड़का। लेमन मैक्स प्रेजेंट्स आज का तड़का। In association with अब 100 रुपए तक की जबरदस्त बचत पूरी रेंज पर। अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे और पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुंचे, इसलिए कि दुनिया में इस वक्त बहुत ही जबरदस्त मैच हमारा चल रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिवायती मैच, और बहुत ही कशमकश जारी है। और हमारी दुआएं हमेशा की तरह पाकिस्तान टीम के साथ हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें, इसलिए कि मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ शौरमा। पैरी पैरी शौरमा बनने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार। दो इसमें सॉस बनेंगे, एक तहानिया सॉस होता है, एक हमस सॉस होता है, और इसके साथ जो है पीटा ब्रेड और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन के साथ इसको हम तैयार करने जा रहे हैं। जहाँ पर खाने पीने की और मैच की बात हो तो वहाँ सफाई की बात लाजमी होगी, और वो है लेमन मैक्स। और अपने बर्तन को और बहुत सारी चीज़ों को आप लेमन से चमकाते हैं। बाथरूम में अक्सर आपने देखा होगा स्टील के नलके होते हैं, उस पर कुंडियाँ लगी होती हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, वो देखा होगा आपने, बहुत सारे धब्बे दाग पड़ने के बाद उसमें चमक खत्म हो जाती है। तो लेमन मैक्स के चंद कतरे लें, उस पर लगाएं और उसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ें, और उसके बाद साफ़ करें। चमचमाते हुए आपकी टॉयलेट की हर चीज़ जो है चमक जाएगी, और इस तरह से लेमन मैक्स को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और 30 रुपीज़ में साशे दस्तियाब है, हर आदमी इसे अफोर्ड भी कर सकता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं चिकन, और जो हम फिल करेंगे पीटा ब्रेड में, और उसके बाद तहानिया सॉस एंड हमस सॉस। हमस सॉस और तहानिया सॉस सिर्फ पीटा ब्रेड के लिए नहीं होता, बल्कि आप इसे सब्जियों के स्टिक्स काट लेते हैं, सब्जियां खाना ज़रा मुश्किल काम होता है, तो इस तरह से आप तहानिया सॉस में सब्जियों के स्टिक्स बनाकर, गाजर है, मूली है, और जो है इसके साथ खीरा है, बहुत सारी चीज़ों को आप बच्चों को किसी ना किसी तरह सर्व करते हैं। उसके साथ खबूस, जो एक रोटी होती है नान की तरह की, उसे ज़रा ओवन में बेक कर लें, उसके भी स्टिक्स बना लें, और आपके पास दो सॉस हों तो क्या बात है, आपका खाना मज़ेदार बन जाता है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने लेना है चिकन। जी, एक छोटा सा सवाल स्टार्ट करने से पहले, अमूमन जब हम शोरमा खाते हैं तो देखते हैं कि सज्जी की तरह वो एक बना हुआ रहता है, और फिर लेटेंट हीट के साथ वो घुमाते रहते हैं चिकन को, तो आपने चिकन को काट कर आप पैन में बनाया? हाँ, इसलिए कि वो पूरा जाहिर सी बात है, वो है नहीं हो सकती, तो हमने इसके लिए एक बहुत अहम बात है कि लोगों तक ये पहुँचाना चाहिए, हमने इसको जूलियन में काट लिया है ताकि हमें पीटा ब्रेड में फिल करने में आसानी हो। तो इसके साथ हम जो इसको टेस्ट देने जा रहे हैं वो बारबेक्यू मसाला जो मिल जाता है आपको मार्केट में, वो बना लें, या किसी अच्छे ब्रांड का बारबेक्यू मसाला लेकर उससे अगर आप इसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बन जाता है। और इसके साथ आपको बहुत चंद चीज़ें चाहिए होती है, लेमन जूस है मेरे पास, सिरका है, काली मिर्च है, और फ्रेश इसमें हम इस्तेमाल करेंगे गार्लिक, नमक है, और उसके साथ दही है। बिल्कुल, तो इसे बनाने में आपको बहुत ही मुश्किल नहीं आएगी, थोड़े से ऑयल में इसको आपने तैयार करना है, इसलिए कि ज़्यादा ऑयली करेंगे तो फिर शौरमा वाली बात नहीं रहेगी। तो इसे आपने हल्का सा ऑयल लिया, हल्का हाथ रखना, बिल्कुल हल्का हाथ रखना, इसमें आपने स्टार्ट करना है। और ये पैन में देख रहा था कि शुरू से ही गर्म था, गर्म ऑयल डालने से, हाँ, ताकि अगर पैन आपका अच्छी तरह से गर्म है, ऑयल की जाते हैं तो पैन अच्छी तरह से गरम कर लें, ठंडे पैन में ऑयल ज्यादा इस्तेमाल होता है बनिस्बत गरम गरम जैसे प्री हीटेड हवन होता है, वैसे प्री हीटेड पैन, जैसे कि ऑमलेट हम बनाते हैं तो हम ठंडे फ्राई पैन पे ऑमलेट डालते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं बहुत सारा, बिल्कुल, तो वो सारा ऑयल जो है सक कर जाता है। तो ऑमलेट अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं लाइट ऑयल के अंदर, तो आपने ओवन को या अपने बर्तन को अच्छी तरह से गरम कर लेना है, यानी कि आप फ्राई पैन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई पैन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से गरम कर लें। इसमें हमने शामिल कर देना है चॉप चॉप गार्लिक, जबरदस्त, और इसे हमने हल्का सा सिर्फ मिक्स किया, उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया चिकन जूलियन में कटी हुई है, जो आसानी से किसी भी शौरमे के अंदर फिलिंग में काम आ सकती है। ठीक, ये अंदाजन आधा किलो है, आधा किलो, बिल्कुल आधा किलो चिकन है बोनलेस, और जूलियन में इसको काटा हुआ है। थोड़ा सा आपने मिक्स करने के बाद फौरन ही ये तेल है, ये तहिनी, तहिनी, हाँ, सॉस हम जो बनाएंगे, बिल्कुल, और उसके लिए इसमें हमने लेमन जूस ऐड कर देना है, काली मिर्च थोड़ी सी, और नमक,
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। नमक अच्छा, कितना डालना है? नमक चुटकी चुटकी। अच्छा, अंदाजन 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 जितना आप नमक खाते हैं अपने घर के हिसाब से। नमक बाज घरों पे कम इस्तेमाल होता है, बाज ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसी हिसाब से। शेफ, आई थिंक बेहतरी इसी में होती है कि अगर आप कम डाल लें उसको बाद में अगर आप तेज कर लें, लेकिन ज्यादा को कम करने में जरा मुश्किल है। लेकिन उसका भी तरीका बताइए, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर सालन में नमक तेज हो जाए, दो चीजें हैं बहुत अहम। एक तो सुपारी होती है जो साबुत वाली होती है, उसके दो सुपारी के पीस आपने उसमें डाल देने। सुपारी खाने वाली देने, खाने वाली सुपारी वो देने वाली, देने वाली नहीं, खाने वाली साबुत सुपारी दो डाल दें, सालन इंशाल्लाह आपका बेहतरीन हो जाएगा। इसके अलावा आटे के गोले बनाकर और उसको आप जो है उसमें डाल देते हैं, जैसे कि हम पेड़ा बना वो सारा अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मिर्च मसाले बहुत ज्यादा हो गए खाने में, आप उसको माइल्ड करना चाहते हैं, दो तीन टेबल स्पून क्रीम डाल दें, आखिर में, बिल्कुल आखिर में। गरम गरम अच्छी चीज मिक्स किया आपने, उतार लिया, दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम थोड़ा सा। ये दिल से औरतों के निकला कि दही औरतें कभी कभी ज्यादा मसाले डाल देती हैं, कभी कभी गुस्सा चढ़ाओ घर पे तो इसमें आपका हाथ लगा इसमें बरकत वैसे ही आ जाएगी। क्या थैंक यू जी। तो वैसे आप अक्सर कुकिंग में मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मैं आज अली से सवाल करने जा रहा हूँ, कुकिंग करते हैं आप घर पे कभी कभार? सर चमचा चला लेता हूँ, चला लेते हैं। वैसे शौक है आपको? शौक बहुत है सर, मैंने मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरी वाइफ माशाल्लाह सब बहुत अच्छे कुक्स हैं, इसलिए मैं ज्यादा करता नहीं हूँ। लेकिन एक चीज बता दूं, कल आपने जो पोई पोई चाट बनाई थी उसकी हमें बहुत कॉल्स आई थी, लोगों को बड़ा पसंद आया। अच्छा, ठीक है। और इंशाल्लाह ये शौरमा जो प्यारी प्यारी शौरमा और बर्गर भी बहुत अच्छे थे, बर्गर जो वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव जबरदस्त। तो इसमें शॉपिंग वगैरह भी करते हैं कभी? मार्केट जाते हैं हमेशा, कभी नहीं, हमेशा, शौक है मेरा। तो सी फूड पसंद है आपको? पर अच्छा, सी फूड आप कैसे चेक करते हैं, फ्रेश है या नहीं है? वो पुराने जमाने वो जो मछहरे दिखाते थे गीला खा के देंगे ये रेड है, लेकिन अब मैं आपको जो मैंने आप पहले भी बताया था, अच्छा वो आखिरी राज, बिल्कुल एक फिल्म आ जाती जी, आपकी एक बार ऑन कैमरा दोबारा बता दें। जैसे आपकी खूबसूरत आईज है इस तरह से, जैसे आपकी खूबसूरत आईज है, आंखें जो है फिश की जो है वो बता देंगी आपको। आप दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं वहाँ खड़े हुए, जैसे इनकी खूबसूरत आंखें नहीं है। मेरी आंखें तो बहुत प्यारी हैं। तो आईज जो है फिश की जो आईज वो आपको बता देगी ये पुरानी है या नहीं है। 10-5 दिन पुरानी अगर फिश हो जाती है तो उसकी आईज के ऊपर एक झिली सी आ जाती है, एक फिल्म टाइप, फिल्म टाइप आ जाती है, इंसानों की कैटरेक्ट बन जाती है, बिल्कुल वो हटाई नहीं जा सकती, उसको कुछ भी कर लें आप, फिश देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही होगी लेकिन उसकी आईज थोड़ी सी धुंधली हो रही होगी या उस पर लेयर सी आ जाती है, इससे पता चल जाता है 5-10 दिन पुरानी आईज। और दूसरा ये कि आपने जब भी शॉपिंग करनी है, गोश्त अक्सर लोग बड़ा गोश्त देखकर खुश हो जाते हैं कि यार बगैर सर के बगैर दुम के सिर्फ गोश्त मिल रहा है हमें फिश का और ये अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिश जब भी खरीदें दुम और सर के साथ साथ खरीदें, तो ताकि आपको पता चल जाएगी। एक ये सवाल मेरा भी है जी, ज्यादा बेहतर क्या है कि आप देसी मुर्गी की ज्यादा चीजें बनाएं या फार्मिंग की? मतलब ये मैं पूछना चाहती हूँ कि देसी ज्यादा अच्छा रहता है खाना? जवाब दे दूं देसी देसी, मतलब देसी। मैं सूप वगैरह के लिए तो देसी होनी चाहिए। असल में देखें मसला ये है कि हार्मोन्स डिस्टरबेंस हो रही है इस वक्त बहुत सारे बच्चों को और कम उम्र में हो रही है, और ये सारे हार्मोन डिस्टरबेंस होनी हो ही रही है इसी चिकन की वजह से, जिसको हम महीने दो महीने में बड़ी होने वाली चिकन को हम हफ्ते में बड़ी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो रही है। और बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे डॉक्टर्स भी हम बच्चों पहले को भी, बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, हर तरह के लोगों के अंदर जो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं वो चिकन की वजह से हो रहे हैं, तो प्लीज एहतियात करें थोड़ा। मैं बिल्कुल ये कह दूं कि मेरा एक दोस्त इनफैक्ट एक चिकन फार्म रन करता है और वो कहता है कि उन्हें फैटन अप करने के लिए इंजेक्शन जो देते हैं वो गर्दन पे देते हैं, तो प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप खाएं, जरूर खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आसान होता है, लेकिन ट्राई एंड अवॉइड द नेक पार्ट। बिल्कुल। और दूसरा ये, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आ गया है, तो आप हमेशा की तरह जी टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा शॉर्मा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर
कोई बहुत खूबसूरत सुनाई हमें अब्दुल हमीद राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल हमीद राणा सोहरवर्दी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। शेफ क्या चल रहा है सर? इस वक्त मैं पीटा ब्रेड को जो है थोड़ा सा, जब पुराना हो जाए पीटा ब्रेड तो थोड़ा से आप सेक लें ऑयल के अंदर, सादा भी सर्व कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा थोड़ा टाइम होता है, एसी चल रहा होता है तो जरा ये हार्ड हो जाता है, तो इसे हल्का सा अगर आप ऑयल में सेक लें तो बहुत ही अच्छा सा शॉर्मा जो है तैयार होगा। चिकन हमारा हमारी बन चुकी है और इसके बाद मैं जा रहा हूँ हमस सॉस की तरफ। हमस सॉस के लिए मेरे पास चने बॉइल्ड हैं। सर आपने ये तो हमें बताया नहीं कि चिकन में आपने दही भी मिलाया है। दही मिलाया मैंने लास्ट में, उससे एक अच्छी सी टार्टनेस हमने दही डाल दिया है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसे आप हाफ कप दही के साथ एक दफा लास्ट में बिल्कुल इसको ड्राई करना है ताकि वो जब पीटा ब्रेड में जाए तो फिर ये सॉगी ना करे। बहुत मजे की खुशबू आ रही है और हाथ लगाऊं ताकि खाने में और टेस्ट आ जाए। अच्छा मैं सिर्फ प्लीज जी उसको कंटिन्यू कीजिएगा। और यहाँ मैं हमस सॉस, अक्सर लोग अभी इफ्तार में चाह रहे होंगे कि हमस सॉस घर पे तैयार कर लें या तहानियाँ बना लें, तो इसके लिए आपको सिर्फ साबुत चने चाहिए होंगे बॉइल्ड। अच्छा चने लेने आप? जी चने बॉइल्ड ले लिए। इसमें आपने फ्रेश गार्लिक डालना है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, ठीक है, और एक टेबल स्पून के करीब पेपरिका हाफ टी स्पून के करीब इस्तेमाल कर लें इसमें, ठीक है, और इसके साथ लेमन जूस एक से दो खाने के चमचे और नमक हसबे जायका, सिर्फ ये चीजें चाहिए होंगी और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा जिसको मिक्स होने में आसानी हो, लेकिन हमस सॉस हमेशा गाढ़ा होता है, ठीक है। शेफ इसमें साथ में अगर सेसमी या तिल लगा ले जी वो अलग सॉस है। अच्छा सॉस जो है वो अलग बनता है, ये अलग बनेगा, फिर दोनों को आप मिक्स करके खा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने जैतून का तेल ले लेना है,
तकरीबन हाफ कप के करीब ऑलिव ऑयल, इसे हाँ ऑलिव ऑयल, और इसे आपने क्या पूछना ठीक है, खाना बनाते हुए अगर आपका हाथ जल जाए तो आप क्या करते हैं? हम खाना बनाते आसान तरीका कार ये है कि हम आपके पास आलू अगर घर पर हैं, कैसी भी हाथ जलाओ आलू को काटें और उसे अच्छी तरह से चूरा करके लगा लें या वैसे लगा दें, यकीन करें सच बता रहा हूँ वो जो फुल्की सी बन जाती है ना फूल जाता है वो नहीं बनेगी। एक और आसान सा तरीका बताऊं, आपके पास सिरका तो होता ही है, सिरका आप बॉल में पानी भर के उसमें सिरका डाल के पास ही रख लें, ठीक है जी बिल्कुल, उसमें जंप वो बहुत जल्दी आप जंप लगा दें, उसमें जंप नहीं लगाना, अच्छा अच्छा उसमें जंप नहीं लगाना, हाथ की जंप लगवानी है बिल्कुल, और कुछ ना मिले तो टूथपेस्ट लगा लें, टूथपेस्ट भी बहुत अच्छा है ना, और हल्दी, हल्दी बहुत अच्छी चीज है, हल्दी भी बहुत अच्छी, पुराने जमाने में लोग इसलिए कि पहले जमाने में अभी एक अभी कल की बात है मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे पहले जमाने में लोग सिर्फ जख्म होती थी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम खेल रहे होते थे जैसे पैर में चोट लग गई खराश लग गई, अब तो आप उस पर इंजेक्शन लगाते हैं बैंडेज करते हैं दवाइयाँ लगाते हैं, मैं अपनी मेरी नानी होती थी वो कहती थी कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फू फू और वो सही हो जाता था, सही हो जाता, लेकिन ये थी असल में बेसिकली ईमान की मजबूती जिसको कहते हैं ना, तो वो चीजें खत्म हो रही हैं अब दवाइयों के बगैर जो है ना वो सही अच्छा, नहीं एक चीज में जरूर बीमारियां भी नहीं थी हाँ। जरासीम भी नहीं थे जितने आज अटैक्स हो रहे हैं, तो ये भी चीजें हमें साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल गुना बढ़ते जा रहे हैं और नेकियां कम होती जा रही हैं और इसी तरह से जैसे गुना बढ़ रहे हैं वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ये कुछ भी बना रहे होते हैं पैन में तो इसको बार बार जब आप स्टर कर रहे हैं इसको हिला रहे हैं तो प्लीज साइड से इसको जरूर कुछ चीजों पर खवातीन जो है वो खाना साइडों पे चिपक जाता है और सब कुछ, और सब मुझे कह रहे हैं शेफ आमना मलिक, नहीं मैं शेफ आमना मलिक ने आज एक बड़ी अच्छी टिप दी है कि आप भी तो इसको समझाइए क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसलिए कि कुछ चीजें टेम्परेचर जब भी पैन के ऊपर पड़ता है सेंटर पे पड़ता है, चूल्हा बीच में होता है तो साइडों पर टेम्परेचर कम होता है, तो जो चीजें ऊपर लग चुकी होती है साइडों पर उसको बीच में लाना जरूरी है ताकि कलर भी एक जैसा रहे और आपका और खाना जो है खराब भी ना खराब भी नहीं रहा, तो शेफ आमना ने आपको जो टिप दी है और बड़ी बुढ़िया कहती है, बड़ी बुढ़िया कहती है नानियां दादियां अम्मियां कहती हैं कि इस तरह ना कोई करे तो समझो लड़की में वसा भी नहीं है, पुअर लड़की है जिसको ये नहीं पता, ठीक है जी, सारे पंजाब वाले आज खुश हो जाएंगे ये वहीं से आ रही है, ये सारे टोटके वहीं से वहीं से आ रहे हैं, ये मैंने हमस सॉस निकाल दी इसकी शक्ल जरा हम दिखा देते हैं और फिर हम तहानिया सॉस की तरफ चलते हैं और ये बहुत ही अच्छी सी इसके अच्छा तहानिया सॉस जो होता है थोड़ा वाइट टाइप होता है ठीक है, और इसमें जो है हमने इस्तेमाल किया है जबरदस्त सा चने, इसलिए ये थोड़ा सा ब्राउन होगा ये थोड़ा वाइट कलर के अंदर होगा, इसमें भी हमने फ्रेश गार्लिक ले लेना है और इसके साथ इस्तेमाल करना है बॉइल्ड तिल तकरीबन एक कप बॉइल्ड वाइट साफ वॉश कर लें और उसके बाद बॉइल्ड कर लें, ये आपने डाल दिया दो चीज़ें हो गई और इसके साथ लेमन जूस और क्रीम या दही दोनों से जो भी आपके पास मौजूद है, शेफ इसको और पकाना है या मैं इधर कर लूं? बस फाइनल कर दें इसको, इधर ले आओ जी, ठीक है, इसमें लेमन जूस और जैतून का तेल ठीक है जी, ठीक है, यानी कि ऑलिव ऑयल, उसके बाद आपने इसको मिक्स किया, ये दो मेरे पास मजेदार सॉस, ठीक है, ये थोड़ा गाढ़ा होता है ये थोड़ा सा पतला होता है, सही, मगर इन दोनों को आप मिक्स करके एक और सॉस बनाएंगे और उस सॉस को आप शोरमा में लगाएंगे, अलग अलग भी सर्व कर सकते हैं, अभी आपने बहुत सारे पकोड़े समोसे बहुत सारी चीजें बनाई हैं, एक तरह की चटनियां खाकर हम थोड़ा सा थक बोर जाते हैं, बिल्कुल नई नई चीजें हो तो मजा, दो तीन रेसिपीज आपके पास चटनियों की भी होगी तो आप इसे बना सकते हैं मजेदार तरीके से, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब जो है इसमें हमने जो फिलिंग है उसकी तैयारी करनी है जिसमें हमारे पास खीरा है फ्रेश फ्रेश, इसके साथ टमाटर है, प्याज है, इसके साथ सलाद पत्ता है, ऑलिव्स है, जरूर ऑलिव्स इस्तेमाल होते हैं ठीक है, बड़े मजेदार से इसके अंदर अचारी खीरा और अचारी मिर्चे हैं जिसको हम चिली पिकल्स कहते हैं और कुकम्बर पिकल्स जो है पिकल्ड अनियंस वगैरह दोनों चीजें, उसकी जो खटास है ना वो अरबी खानों को बड़ा मजेदार बनाती है, तो वो भी साथ में इसके हम आपने ब्रेक लेनी है ये फिर हम आके ऐड करेंगे आपके ब्रेक का जो स्टाइल है, मैं पीछे जाती हूँ कि मैं गिर गिरा ना जाऊं, चलिए तो लेते हैं एक छोटा सा खूबसूरत सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
खुश आमदीद कहते हैं बारानी रहमत में। और आपको पता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच भी चल रहा है और हम सब खबर लेने के लिए बेताब हैं कि इफ्तारी का वक्त भी करीब आ रहा है, साथ साथ जबरदस्त महक भी आ रही है। बिल्कुल। और जैसे हम बर्न पे बात कर रहे थे अभी अपने डॉक्टर से कि जल जाता है तो क्या करते हैं, हमें शेफ ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर फौरन आपने कुछ करना है तो आपने आलू का एक स्लाइस वो किया उसको लगा लिया। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक दफा आपका हो गया, चलें बर्न लग गया, उसके बाद आपने उसको क्योर करने के लिए आपने घर में कुछ कर लिया, लेकिन ये नहीं कि उसको आप छोड़ दें, डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है। और उसके बाद उसका ख्याल कैसे रखा जाता है, एक दफा अगर जल गया है उसके बाद क्या करना है, प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशनरी तो हो गया है कि कितना बर्न हुआ है, फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। अगर फर्स्ट डिग्री है तो लोकली आप कोई भी क्रीम ऐसे एनाल्जेसिक लगा दें, उससे हो जाते हैं कवर। लेकिन वही वाली बात है कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी डिग्री है। ड्रेसिंग वगैरह आप उसको डेली ड्रेसिंग करें, नॉर्मल लाइन से वॉश करके ना उस पर हम ड्रेसिंग कर लेते हैं, डेली ड्रेसिंग हो जाती है उससे अगर ज्यादा बन हुआ है। फिर क्रीम आती है वो क्रीम आप लगा दें उस पर, जैसे एक्सालोकिन क्रीम है वो लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो फिर एक डर्मजीन क्रीम आती है वो हम लगा सकते हैं, नॉर्मल लाइन से वॉश कर लेते हैं। तो उसको फिर फॉलो करना होता है कैसा है, फिर उस हिसाब से हम लोग। क्या उसमें खाने पीने की भी एहतियात होती है कि आपने कौन सी चीजें खानी है जो उसको, जो आपका वूंड है उसको? खाने पीने की कोई ऐसी एहतियात नहीं होती, बस आपको वाटर इनटेक ज्यादा लेना होता है बेसिकली, और जो सिंपल आपकी डाइट है वो आप डाइट लें प्रॉपर, और अगर नॉर्मल घर पे है तो फिर आप नॉर्मल वाटर इनटेक रखें उस पे। अगर आप एज हर्बलिस्ट मुझसे पूछेंगी तो मैं कहूंगी कि नहीं, मिर्च मसाले हम मना करते हैं, अवॉइड करवाते हैं कि नहीं खाएं, आप तली हुई चीजें ना खाएं, ज्यादा मिर्च मसाले ना खाएं। और उसकी वजह ये है कि आपका अगर स्किन जल रही जली है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जल गई है तो वो आपको इचिंग फील होती है, और ये मुझे नहीं पता इधर का क्या सिस्टम है, लेकिन हमारे हम लोग मना करते हैं कि आप इस तरह की चीजें ना खाएं जो मिर्च मसाले होते हैं। एज वेल एज एक होम्योपैथ ड्रॉप्स भी आते हैं और ट्यूब भी आती है सल्फर के नाम से, वो हर घर में अब मौजूद होने लगी है, अल्लाह का शुक्र है कि अब हर घर में ये चीजें भी हो रह रही हैं कि हर्ब्स की तरफ भी लोग आ रहे हैं, नेचर की तरफ। जाहिर है कि अगर आपको कोई बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी है और आपको जल्दी कोई क्योर चाहिए तो आप जाते हैं हॉस्पिटल, जाते हैं एलोपैथ की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि लोग नेचर के करीब बहुत आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में आप इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे कि नेचर के करीब आप जितना रहते हैं उतना ज्यादा आप फायदे में रहते हैं। तो सल्फर एक ऐसी चीज़ है जो लगाने से, और ये चीज़ ऐसी कि खुदा नास्ता कोई बहुत ज्यादा बर्न की हम बात नहीं करें, वो तो बहुत आगे चला जाता है कि खुदा ना हास्ता आपका कोई बहुत बॉडी बर्न हो गई है वो तो बिल्कुल ट्रीटमेंट की तरफ चला थोड़ी बहुत हमें खुद भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको किस तरह लेके आगे चलना है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अब मैं ज्यादातर लोगों को ये अवेयरनेस दूँ कि अली जब भी आपके घर में बच्चे हैं कोई छोटी मोटी चीज होती है उसको लाइट ना लें, बस उसको फौरी तौर पे ट्रीट करवाएं, पता करवाएं, क्योंकि मेरे घर अभी एक हादसा हुआ है इसलिए मैं उस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करती हूँ। जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, माएँ देख रही हैं, बच्चे ज़मीन पे गिरते हैं, प्लीज़ उनको मल के फौरन से ये ना कहें कि बिल्कुल ठीक है बच्चा कुछ नहीं हुआ है, मेरा ख्याल है कि उसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि मेरे अपने घर में एक चीज हुई है और मेरी बच्ची की ब्रेन सर्जरी हुई है उसकी वजह से, तो वो एक मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और बहुत अलार्मिंग था कि उस वक्त मलना शुरू कर दिया और ये हुआ, लेकिन फौरन उसे हम डॉक्टर पे ले गए और हमें पता चल गया सिटी स्कैन से कि उसके अंदर सर की चोट का आपको बाहर से इतना नहीं पता चला जितना इंटरनली वो नुकसान, इसी तरह जल गया है या कोई भी ऐसी चीज है अली, तो उसको हमें आई थिंक फौरन से एक दफा चेक जरूर करना चाहिए कि कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। बिल्कुल, चेक से ये बात मेरे ध्यान में आई कि हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि शेफ गुलजार जो चुपचाप अपने काम में मसरूफ है, खुशबू बड़ी प्यारी है, बिल्कुल लिए मैं जो है, वाह क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन लग रही है, इसके बड़े अच्छे कलर होते हैं और इसका टेस्ट भी जैसे मल्टी कलर है मल्टी टेस्ट भी होता है इसका, ठीक है। इसमें हमने थोड़े से सिरके वाली, तो इसमें आपने इसमें सबसे पहले मैंने सबसे पहले हमस सॉस डाला, उसके ऊपर टमाटर, प्याज, ऑलिव्स दोनों ग्रीन एंड ब्लैक, हाँ, उसके साथ ये खीरा और सलाद पत्ता, और ये साथ में हैलेपेनियो भी देख रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद फिर मैंने पहले हमस डाला था, अब मैं तहानिया डाल रहा हूं, और रैप्स की शक्ल बड़ी मजे की लग रही है, और इसके ऊपर से थोड़ा सा ग्रीन एंड ब्लैक ऑलिव्स की गार्निश ऑलिव डाला, और इसे आपने सिर्फ ऐसे टर्न किया और यहाँ रखा, और इसको खूबसूरत करने के लिए जैसे कि मैं खूबसूरत हूँ इसी तरह से मैं अपनी डिशेज क्या
पहनते एक चीज की आपको नजर लग ही नहीं सकती। हम भी कल से काले छाले टीके लगाए और अली आपको तो लगा ही लेना चाहिए, आपके तो इतने फैंस हैं, लड़कियां सिर्फ आप ही का पूछ रही हैं कि भाई अली के लिए तो ऐसे ऐसे मुझे लोग सब कहते हैं हम कब शो पे आएंगे अली से मिलेंगे। ये सही कह रही है अली, आप तो एक टीका लगा ही नहीं, माथे पे टीका जो हुक्म मैडम जो हुक्म। लेकिन एक बात है, हमारे पास ये ब्लैक ऑलिव भी है, इसको भी अपने, मैंने कहा शायद आप बोलने वाले, एक बात है आमना आप भी टीका लगा रहे हैं। तो एक दफा इसे हम फिल कर लेते हैं सिर्फ, तो ताकि सारे लोग देख लें। ऑन कैमरा मैंने इसमें हमस डाला, साथ में थोड़ा सा टमाटर लिया, प्याज बहुत बारीक कटी हुई होनी चाहिए, मजा उसी वक्त आएगा आपको। और ये जो बारीक कटा हुआ खीरा है ना, ये भी इसके टेस्ट को और बढ़ाता है। साथ में सलाद पत्ता या आइसबर्ग आपने लिया, इसके ऊपर आपने मजेदार चिकन ऐड की, ओहो क्या बात है, लवली। इसके ऊपर से आपने फिर तहानिया सॉस, ये वाकई एक सबर का इम्तिहान होता है जब आपके पास आते हैं जनाब जी। और इसके बाद फिर ये इसके साथ जो मिर्चें हैं ना, ये सिरके वाली, ये अच्छी लगती हैं बहुत ज्यादा, ये जो तहानिया सॉस के साथ। और ये और अपने प्लेटर पे ले गए साथ में, और ये मेरे पास खूबसूरत सी, ताकि ये फैले नहीं और गिरे नहीं। ठीक है, अब ये सारी चीजें बची हैं, अब इसका क्या करें, एक प्लेट ले लें और इसके ऊपर इसका सैलेड तैयार कर लें। वाह, व्हाट अ गुड आईडिया, कुछ भी जाया करने की जरूरत नहीं। अगर कोई ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और कार्ब्स नहीं खाना चाहता है, तो जो बची कुची चिकन है उसी का सैलेड बन सकता है इसके साथ। सारा सलाद पत्ता भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। एक दिन शेफ, मेरा ख्याल है आपको दो तीन सैलेड्स बना के दिखाने चाहिए, कि हमारे अक्सर लोग इफ्तार में ना सैलेड नहीं लेते हैं, यानी कि सिर्फ हमारे यहाँ फ्रूट चाट और मुख्तलिफ चाटे चल रहे हैं, सैलेड भी अच्छे बन सकते हैं, सब्जियों का कोई चाट नहीं होती, ये जरूर हमने बना। अगर अब आपने और कोई ख्वाहिश है तो एक लिस्ट दे दें आप। मेरी तो एक ख्वाहिश और थी, काले चने का शोरबा, काले चने का तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह बन जाएगा, कोई मसला नहीं जाता ना, वो पंजाब साइड पे कितना खाएगा। ठीक है, ये आप देख लें, मिस करते हैं कलरफुल, आपका कलरफुल एंड हेल्दी बिल्कुल। और इस पे से थोड़ा सॉस डाल दें, इस पे सफाई के साथ। अच्छा, एक वो पाउडर आता है जबरदस्त, इसको भी आपने खूबसूरत बनाने के लिए ना, ये आपने इधर डाला, उसका जो बीच का हिस्सा है इसमें दूसरा कलर डाला, ताकि ये आपके पास खूबसूरती आ जाए। उसके ऊपर से फिर आपने सारा, ये हुई ना प्रेजेंटेशन जी, लवली। ये देखकर ही इंसान को दिल चाहे कि ये खा लिया जाए, इधर बैठ के भूख लगने लगी जी। इसीलिए मैं खाने के करीब आता हूँ जी। अब उसके ऊपर लास्ट कहते ना आजमाना चाहिए, मैं देख रहा हूँ जब से शेफ के प्रोग्राम ना, तो मुझे ये बड़ा ट्रस्ट हो रहा है, वो बड़ा मजा आने लगा। अब आप डॉक्टर कम एक्टर, सारी चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं, और अगर स्पाइस की शादी से ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, मुझे भी चम्मच लगा सुना नहीं आप लोगों ने जी, वो कह रहे हैं शादी से पहले इन सब चीजों की नॉलेज होनी, उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि लड़कियां अगर मुझे देख रही है तो पहले ही सोच ले कि जी मैं खाना भी बना के खिलाऊंगा। कुछ बनाना आता है आपको या नहीं आता? और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। नहीं, मुझे चम्मच हिलाना है सिर्फ, वो मुझे शेफ प्लीज इस प्रेजेंटेशन को खत्म कर लें। ठीक है जी, ये हमारे पास ताकि टाइम शॉर्ट है और इफ्तार का वक्त भी तेजी से हमारे पास आ ही रहा है। स्प्राइट शॉर्मा के साथ, पेरी पेरी शॉर्मा के साथ स्प्राइट, क्या बात है, मजा आ जाएगा। ठीक है जी, और इसके साथ जब इतने सारे काम करें, अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं तो सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करें, कपड़ों को साफ सुथरा रखें, खूबसूरत बने। खूबसूरत बनने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, जो आपके पास चीज़ है उसको साफ सुथरा करके पहन लें, वही खूबसूरती है। क्या ख्याल है? तो ये हमारे पास बहुत बहुत तैयार हो गई शेफ जी, लुकिंग वेरी गुड। साथ साथ ब्रेक भी ले लें। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक मैं लूंगा थोड़ा सा आगे जाकर, इसलिए बिल्कुल मास जी का ड्रेस तो दिखाना जरूर, बिल्कुल। और शूज भी, मैंने शूज भी आज इतने जबरदस्त हैं, तो वो तो टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर
तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह, कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। Allahu Allah.
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बरान रहमत में। और अब अली वक्त करीब आ गया, बिल्कुल हो ही गया। जबरदस्त कवाली सुनी हमने, महबूब फरीदी कवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह मियां से हमेशा की तरह यही दुआ है कि इंशाल्लाह ताला हमारा आज का रोजा कबूल करे, हमारी सारी दुआएं कबूल करे, और इंशाल्लाह इसी तरह हम मिलते रहेंगे। अब छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं क्योंकि जैसे आमना ने कहा कि इफ्तार का वक्त करीब आ गया है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ इस पैनल पहली बार आए, डॉक्टर शैला कैसा लगा हमारा सेट? बहुत अच्छा लगा आपका सेट, आपका होस्ट, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। मैंने टीवी पर भी देखा था आप लोगों को, कल भी देखा था, लेकिन शेफ गुलजार के हाथ का खाना इंशाल्लाह आज पहली बार। ये बात है कि ऑन सेट पहली दफा है, वरना कल भी मैंने आप लोगों की ट्रांसमिशन देखी थी। डॉक्टर आतिफ भी थे, डॉक्टर फारा भी थी, इनको जहर हमारे साथ होते हैं तो इनके प्रोग्राम तो देखना है। फिर माशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, मजा आ रहा है। डॉक्टर आतिफ भी द पार्ट, मैच भी बड़ा दिलचस्प चल रहा है। मैच के हमें ज्यादा अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिता दे, बस दुआएं हमारे साथ हैं। और शेफ माशाल्लाह से जबरदस्त चीजें बना रहे हैं रोज, और रोज हमारे टेस्ट में इजाफा हो रहा है, आतिफ का शौक भी बढ़ता जा रहा है सीखने का। बिल्कुल हमारी हर्बलिस्ट डॉक्टर फारा जी, बिल्कुल मैं तो यहाँ आके बहुत खुश होती हूँ, आप लोगों के साथ मजा आता है, बिल्कुल ऐसे लगता है घर पे बैठे हुए। नहीं, हमें आप सबसे सीखने का इतना अच्छा मौका मिलता है। अब देख लेते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो वैसे ही इफ्तार हो जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद थोड़ी सी देर में हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। और याद रखिए कि मोइन खान भी आज एंटरटेनमेंट पर बैठने वाले हैं, तो क्रिकेट का बहुत दिलचस्प मजा आएगा। तब तक हमें इजाजत दें और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि अल्लाह मियां हमारी सारी दुआएं कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थोड़ी सी देर की ब्रेक। कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दुआए इफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमन्तु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया।